चंदन। हाँ भैया, चलो घर चल के खाना खा आते हैं। ना भैया, तुम खाओ। का? हमको बिल्कुल भूख नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रोज दोपहर से पहले इतनी भूख लग जाती थी जल्दी जल्दी, आज क्या बात है? हाँ पता नहीं भैया, तुम ऐसा करो, तुम खाओ और हमारे लिए दो रोटियां ले आला। नहीं नहीं नहीं, तुम भी साथ चलो हमारे, नहीं तो तुम्हारी भौजी की जरा का जवाब कौन देगा? हाँ चलो चलो। अरे क्या हुआ, ये इतना काहे रो रहा है? कहा जाने, तुम तो माँ हो, तुम्हें तो जानना चाहिए। तो बाप को कहीं नहीं जानना चाहिए। लाओ हम चुप करा देते हैं। अरे रे 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 रे। लो काका आ गए, जाओ जाके खाना परोसो। भौजी भौजी, लगता मुन्ना कुछ ज्यादा रो रहा है। नहीं हाँ। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। एक काम करते, हम चौबेपुर जाके बैद जी से दवाई लेके आते हैं। अरे भाई दवाई काहे, बच्चे तो रोए करते हैं। नहीं नहीं काका, अरे तबीयत ठीक नहीं। भैया देखो ना काका, कुछ समझते ही नहीं है। सब समझते हैं बचवा, बच्चे को गोदी में लेके जरा प्यार से हिलाओ, वो चुप कर जाएगा। हम दिखाते हैं, लाओंकार हमें दो। आओ बेटा आओ। देखो ये देखो, हुआ क्या नहीं चुप? गुंजिया, ए गुंजिया आओ। अरे आमेका, तूने तो जैसे घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं, ऐसे। ए, मैं तेरे से बात इधर कर रही हूँ और तूने हार उधर रही है और कहती है ऐसे ही, रास्ता देख रही है। हाँ। आ जाने की बात है का? हाँ? नहीं तो कौन आएगा? रास्ता देखने का मतलब यही थोड़ी ना है कि कोई आएगा। और नहीं तो का, तू अपने जाने का रास्ता देख रही है। देख अब छुपाती क्या है, जब सच्ची बात मुंह से निकल गई तो कहती क्यों नहीं कि चंदन के आने का रास्ता देख रही है। अरे वो अब छुपा नहीं सकती हो गुइया, अब तो बताना ही पड़ेगा कितना रंग चढ़ा कर आई हो बलिहार से। अरे तू तो शर्माना भी सीख गई। कारी गुंजा, नींद नहीं आ रही का? ना जाने, तुम सो ना। अरे तू भी तो सो जा, का कुछ सोच रही है? अरे सोचती रहेगी तो नींद कैसे आएगी? सो जा बिटिया, सो जा। चंदन, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, चलोगे? नहीं भैया, हमारा मन नहीं कर रहा कहीं जाने को। तुम लोग हो आओ, हम यही हैं घर में। अच्छा चलो। गुंजा, अरे तुम? गुंजा हाँ। आओ बैठो। तुम भी बैठो ना। तो आज याद आई गई हमारी? याद तो उसकी आती है जिसे कोई भूल जाए। हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे। तो फिर इतने दिन बाद कहाँ आए? हम तो रोज तुम्हारी राह देखती थी। हमें मालूम है गुंजा, पर क्या करें, हम आने का मौका ही नहीं मिलता था। का कभी कभी बीमार नहीं पड़ते कि आने का बहाना मिले। सच कहें गुंजा, जब से तुम आई हो ना, घर में हमारा एक पल भी मन नहीं लगता। जी करता है तुम्हें फिर से ले चले। तो ले चलो। कैसे? विदा करा के। इस बात पे तो जी चाहता है कि का? चंदन, ए चंदन, चंदन, ए चंदन। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आंखें खोले बैठे हो, हम सामने से आई, देखा नहीं, पुकारा, सुना नहीं, होका गया तुम्हें?
कुछ नहीं। क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। अच्छा? हाँ। इधर आओ, बैठो। तुम 5 मिनट बैठो, हम 1 घंटे में आते हैं। हाँ। चंदन तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। अरे इस बरसात में कैसे आए? गांव से निकले थे ना तो बरसात नहीं थी, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा ओ हो तुम्हें तो सर्दी हो गई। अरे सुनती हो, जल्दी आओ ना। अरे चंदन तुम एक सूखी धोती और चादर दे दो और ये कपड़े सुखा दो। हाँ। और थोड़ा गर्म दूध पिला दो। अच्छा। हम एक खुराक दवाई लेकर अभी आते हैं। अच्छा। चल। आओ बेटा, लो बेटा पहले ये दवा खा लो, फिर ये लड्डू खाकर गर्म दूध पी लो। अरे पहले लड्डू तो खाओ, पहले गुंजा ने बनाए हैं। पहले तो घर में गुंजा कुछ भी काम नहीं किया करती थी, पर तुम लोगों के यहाँ रहने से बहुत कुछ सिखाई है। कैसे है लड्डू? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कुछ बार तुमसे लड़ती फिरती तो नहीं थी? नहीं, अब तो। अरे गुंजा, अब तो वहाँ के सब लोगों की तारीफ किया करती है, जो आप देखो वहीं की बातें। यहाँ तक कि गुंजा नींद में भी तुम ही लोगों का नाम लेती है। पर गुंजा है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। वो तो फुलेसरी के ननिहाल में शादी है ना, वहाँ गई है, आज आने वाली थी, मगर इस बरसात में अब कहाँ आएगी। ओ। हम तो कहते हैं आज रात तुम यहीं रह जाओ। अब रहने से क्या फायदा? काहे? नहीं नहीं, मतलब बारिश रुक गई ना तो हम चले जाएंगे अभी। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। रह जाते तो अच्छा था बिटवा। हाँ माँ, लेकिन अब अगली बार आएंगे ना तब रहेंगे हम। कमीज यहाँ ठहरो, एक खुराक दवाई और देते हैं, घर जाकर खा लेना। गुंजा, तुम आ गई गुंजा? हाँ, तुम कब आए? हमें यहाँ तो बहुत देर हो गई। नाराज हमसे? थे, मगर अब नहीं है। कम से कम इतनी खुशी लेके लौटेंगे कि तुम्हें देखने आए थे सो देख लिया, मुलाकात तो हो गई। आओ ना, थोड़ी देर बैठे। चलो। बोलो। तुम बताओ चीची कैसी है? अच्छी तरह है। और मुन्ना? मजे में। और तुम बोलो ना। का? कुछ भी जो मन चाहे। यही तो मुश्किल है, मन जब बहुत कुछ बोलना चाहे ना तो मुझसे बात ही नहीं निकलती। सच्ची? चले। अब जाएं?